सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर 1 की सीक्रेट ट्रिक्स, जिनकी मदद से हम बिना किसी चीज के इस घर से एस्केप कर लेंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, और हाँ वीडियो को लाइक भी कर देना। तो बढ़ते हैं हमारी ट्रिक नंबर 1 की तरफ। तो ये जो ट्रिक है गाइज, काफी आसान सी ट्रिक है। इसके लिए तुम्हें बस प्ले हाउस की को ढूंढ लेना है, देन इसको लेने के बाद सीधे प्ले हाउस के पास आ जाना है, एंड इस वाले ताले को खोल लेना है। और जैसा कि तुम्हें पता है, इस चीज़ को खोलने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, जिसको ढूंढते ढूंढते ग्रेनी हमें मार देती है। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके बाद तुम आराम से इसमें से किसी भी सामान को उठा सकते हो। तो तुम्हें बस इस दीवार से चिपक जाना है और ध्यान से इसके किनारों वाले एरिया से हमारा सामान ढूंढ लेना है बहुत देर के बाद। लेकिन ये देखो गाइज, हमें मिल चुकी है रस्टी पेडलॉक की, है ना कमाल की ट्रिक। दोस्तों इस वाली ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है। ट्रिक नंबर 2, यहाँ पर से इस वेस को उठा लेंगे, फिर ऊपर वाले फ्लोर पर चलेंगे और ऊपर आते से ही हमें थोड़ा शोरगुल कर देना है, जिससे कि ग्रेनी यहाँ तक फटाफट से आ जाए। एंड 2-3 बार इस वेस को नीचे गिरा देंगे और अब इस वेस को कमरे के अंदर फेंक कर बक्से में छुप जाएंगे। एंड जब तक ग्रेनी आती है हमें यहीं पर छुप कर रहना है। और हमारी ट्रिक के मुताबिक ग्रेनी अभी आ चुकी है एंड सीधा चली गई है अंदर, और इससे हमें एक फ़ायदा जरूर हो गया, बिना किसी हैमर के मुझे प्लैंक मिल गया। ट्रिक नंबर 3, ये काफ़ी ज़्यादा आसान टेलीपोर्ट ट्रिक होने वाली है। सबसे पहले मैं बेड के पास आकर बैठ जाऊँगा और इन दोनों बटन को एक साथ दबाऊँगा, जिसके बाद मैं कोने में आकर के आगे बढ़ते हुए खड़े होने का बटन दबा दूँगा। और ये देखो गाइज, हम तो हो चुके हैं टेलीपोर्ट। इसके मदद से मैं ग्रेनी को चकमा दे सकता हूँ। एंड ऐसी ही और सीक्रेट ट्रिक्स को देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो।